स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच पार्ट फाइव, पार्ट छठा भाग इसका, छठा पॉइंट, पर्सोनिफिकेशन। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? रिप्रेजेंटिंग नॉन लिविंग थिंग्स क्वालिटीज इटीसी एज ह्यूमंस इन राइटिंग इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। इट इज ऑफन यूज्ड इन लिटरेचर। ऐसा कोई क्वालिटी इमोशन जो कि नॉन लिविंग के साथ ह्यूमन का क्वालिटी नॉन लिविंग के साथ कंपैरिजन करके उसको बताया जाता है। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं यह साइकिल छोटे बच्चों की तरह डांस कर रहा है, इसका चक्का जो है आगे वाला बच्चा की तरह कांप रहा है, डांस कर रहा है साइकिल। तो भाई नॉन लिविंग थिंग है, फिर उसमें ट्रेवलिंग वर्ड कैसे जुड़ गया? उस चीज को समझाने के लिए हम लोग पर्सोनिफिकेशन का यूज करते हैं, लिटरेचर को और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। एग्जांपल देखते हैं, द डेफोडिल्स डांस इन द ब्रिज। डेफोडिल्स जो है वह डांस करता है ब्रिज में, ब्रिज हल्का फुल्का जो है हवा होता है ठंडी हवा में वह डांस करता है, डांस करेगा। तो डेफोडिल्स को यहाँ पे एक पौधा है और डांस जो है वह मतलब ह्यूमन का एक एक्टिविटी है, और उस एक्टिविटी को हम लोग डेफोडिल्स के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि हवा में डेफोडिल्स डांस किया। अब डांस तो वो भाई करता नहीं है, उसको तो कोई स्टेप आता नहीं है, कथक ही सब आता नहीं, लेकिन फिर भी उसको एक 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 एक्स्ट्रा इमोशन के साथ उसको जोड़ के हम लोग बताते हैं। लव इज, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लव इज नॉट ओनली ब्लाइंड बट ऑल्सो डीप। प्यार अंधा ही नहीं बहरा भी होता है। अब सीधा सा बात है, लव जो है इमोशन है, ह्यूमन इमोशन है, फीलिंग्स है, लेकिन इसका कंपैरिजन हम लोग इसके साथ प्रयोग कर रहे हैं। एक फिजिकल जो कोई व्यक्ति फिजिकल रूप से अपंग उपंग हो जाता है तो उसको ब्लाइंड, पैरवर्ड से ब्लाइंड, अंधा हो गया, अंधा अंधा बहरा का, बहरा का भाई प्रयोग होता है। तो उस सेंस में हम लोग लव को इसके साथ कंपैरिजन करते हैं। थैंक यू।